मड्यूल्ड टू स्केय रिसोर्सेस जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट एलोकेशन ऑफ स्के और जब आप की बात करते हो इनफैक्ट रियलिटी में है कि रिसोर्स ऑलवेज लिमिटेड कैन नॉट है यहां पर क्या करना है कि वेन एवर वेन एवर वी मेक डिस्कशन अबाउट द स्केयर सिटी ऑफ द रिसोर्सिस फेस करेगा कंज्यूमर भी प्रोड्यूसर भी और आपकी सोसाइटी भी जब आप बात करते हो स्केयर सिटी तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ़ कंज्यूमर बजट कॉन्स्टेंट हिज टाइम बिटवीन लियर एंड वर्क एंड ही हैज टू एलोकेट हिज इनकम बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग गिवन द इंटरेस्ट रेट एंड प्राइसिस

ट प्रोग्राम और वो किस तरह एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होनी चाहिए कि जब भी हम बात करेंगे अबाउट स्केयर सिटीज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर तो दिसर सिटीज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दी प्रोडक्शन एफिशियंसी एंड प्रोफिटेबिलिटी दैट इज बींग प्रोड्यूसड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हम ये रिसोर्स लिस्ट कर सकते हैं अंडर दफ लैंड वाटर लेबर कैपिटल एनर्जी फर्टिलाइजर केमिकल्स एंड क्लाइमेट और जब हम इन सारे ये जितने भी हमने इनपुट फैक्टर्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं ब्रॉडली आल दीज इनपुट फैक्टर्स कैन बी कैटेगराइज अंडर थ्री सब हेडिंग्स कि हम वहां पर बात करते हैं नेचुरल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स की हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की और हम बात करते हैं अबाउट मैनुफैक्चर रिसोर्स नेचुरल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स बेसिकली रेफर टू लैंड ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू लेबर एंड

एरिड लैंड कह कहते हैं कि वहां पे क्या है इरीगेटेड वाटर केनाल वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर इरीगेशन फिर इसी पैटर्न पे जो आपकी नेचरमेंट है टाइप ऑफ लैंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूसुलर क्रॉप आप कॉटन कॉटन जोन में आप प्रोड्यूस कर सकते हो दैट कॉटन केन नॉट बी प्रोड्यूसड इन दी राइस जोन कि ये जो आपकी नेचर एंडोमेंट है टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप इट इट आल्सो क्रिएट अ और इट आल्सो क्रिएट्स एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट बाय यूजिंग गिवन लैंड फिर इसी पैटर्न पे हम सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप कह लें ग्रो कर सकते हैं ग्रो नहीं कर सकते फ्रॉम अ पर्टिकुलर लैंड दैट इज लोकेटेड इन पर्टिकुलर रीजन क्या जी आप कुछ आपकी क्रॉप्स हैं जो कुछ वेजिटेबल्स हैं जो आपके पास हिली एरियाज में आप कह लें बेहतर प्रोडक्शन देते हैं या कुछ फ्रूट्स हैं जो आपके हिली एरियाज में प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड वो जो फ्रूट्स uh, हैं दैट नॉट बी प्रोड्यूस इन योर जिसको हम कहते हैं कि मैदानी एरिया में वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते फिर इसे पैटर्न जब आप ह्यूमन रिसोर्सिस की बात करते होर आर प्रोवाइडेड बाई द फॉर्म ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट और जब आप फॉर्म लेबर की बात करते हो दिस फार्म लेबर इज ऑल्सो वेरी स्केयर और स्पेशली हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं

आउटपुट और यहां पे अब वो जो आपके पास ये जो स्केर से कि कहीं पे हम कहेंगे कि देर आर सर्टन कंट्रीज दैट आर अबंडेंट इन लेबर और वहां पे कुछ और भी कंट्रीज हैं जो कि स्केयर्स है इन लेबर जो लेबर में स्केयरस होंगे दे विल यूज कैपिटल इंटेंसिव मैथड टू मेक प्रोडक्शन और जब आप उन कंट्रीज की बात करो वे लेबर इज अबंडेंट दे आर मोस्टली यूजिंग लेबर इंटेंसिव मैथड टू प्रोड्यूस आउटपुट और ये जो आप कह लें है, रिसोर्सेज हैं